So till now, people have studied sine theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, और आपका tan theta perpendicular upon base. बेटा एक बार हम लोगों को जितना भी पढ़ा होता है वो रिवाइज करना जरूरी है प्रीवियस क्लास से, और इन पॉइंट्स को आप जितना रिव्यू करते रहोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल है. कोसेक थीटा आपका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा. देन आपके पास सेक थीटा इट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड देन योर कॉट थीटा इट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. उसके बाद आपके पास ये दो पार्ट्स आपको याद रखने हैं. टेन थीटा होता है आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड योर कॉट थीटा इट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा. इसके अलावा कल हमने जो लास्ट पार्ट किया था इट वाज वी हैव ड्रॉन अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिससे हमने फाइंड की थी द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट द डिफरेंट स्टैंडर्ड एंगल्स. अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल्स पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड की थी. So let's say 0 degree, then 30 degrees, 45 degrees, 60 and 90. Sine, cos, tan. मैं तीन का बता रहा हूं आपको. रेस्ट रेसिप्रोकल होते हैं तो सिर्फ वैल्यूज का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. साइन 0 आपका 0 होता है, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 आपका 1/√2, साइन 60 आपके पास √3/2 और साइन 90 आपका 1. कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, और कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0. फिर tan 0 आपका 0, tan 30 degree 1/√3, tan 45 1 और tan 60 आपका √3 और tan 90 आपका not defined. इसके बाद इस टेबल को आप कंप्लीट कर लोगे. sec cosec cot, cosec रिवर्स होता है साइन का, तो वैल्यूज को रेसिप्रोकल करना है सिर्फ आपने. जैसे अगर मैं यहाँ cosec 0 डिग्री आपसे पूछूंगा तो रेसिप्रोकल करोगे 1, क्या रेसिप्रोकल करोगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट नॉट डिफाइंड. तो वो वैल्यूज आप सारी की सारी लिख लोगे, उनके क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो. फाइन, सो ये बेसिक पोर्शन है जो हम लोग कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में. अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपका लेता हूं, देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक एज वेल एज फ्यू एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे साइन 60, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60, कॉस 30 प्लस cos 30, cos 60, sin 30. फाइन, ये एक एक्सप्रेशन दे दी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है. वैल्यू सीधा आप टेबल से चेक करोगे. sin 60 आपके पास होता है √3/2, वैल्यू पुट करो. cos 30 आपके पास है, cos 30 इज अगेन √3/2 प्लस cos 60 1/2, sin 30 1/2. यहाँ एलसीएम लोगे, 2 आपके पास एलसीएम आ गया, 2 to the 4, सॉरी √3 to √3 is 3 प्लस 1, कितना आ गया आपके पास 4/4 which is equals to 1. फाइन, सो इन दिस वे यू कैन सी कि हमें ये वैल्यू मिली sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30. जब हमने इवैल्यूएट किया देन आंसर केम आउट टू बी 1. ये हमारे पास इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे दैट वी विल सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट स्टैंडर्ड एंगल्स. लेट्स टेक फॉर मोर एग्जांपल sin 60 डिग्री then cos 45 plus cos 40 cos 60
साइन 45। साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है, रूट 3/2 होती है बेटे। कॉस 45 इज 1/√2 प्लस कॉस 60 आपके पास 1/2 होता है एंड साइन 45 इज 1/√2। एलसीएम लोगे यहाँ पर आप तो 2√2 आपका एलसीएम आया, न्यूमरेटर में यहाँ आपको √3 + 1 तो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से √3 + 1/√2। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सिंप्लीफाई वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन की आपके पास वैल्यूज क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इस चीज में मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूं, इस बात में मत रहना कि हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे 2 मिनट में, फाइन, बिकॉज एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 सेकेंड मिलेंगे, 6 सेकेंड मिलेंगे, उसमें आप टेबल ड्रॉ करोगे पहले या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फाइन। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, वैल्यूज कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज देखो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस रिवर्स होके चलता है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 हमें कैसे मिलती है, डिवाइड करके वैल्यूज मिलती है, बट वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 10 0 0, आफ्टर दिस वी हैव 1/√3, 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड, फाइन। सो इन दिस वे यू कैन डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत मिलती है हमें, प्रूव दैट कॉस 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 30 इट इज इक्वल्स टू √3/2। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके यू हैव टू प्रूव कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट √3/2। Then we have sine 60. Sine 60 भी हमारे पास √3/2। Cos 60 आपका 1/2। यहाँ लास्ट में cos 30 है, sine 30 है क्वेश्चन में हमारे पास। तो ये sine 30 आपको 1/2 मिलेगा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कॉस 30 आपको मिल गया √3/2 प्लस साइन 60 आपको मिला √3/2 अपॉन 1 प्लस कॉस 60 हमारा है 1/2 प्लस साइन 30 हमारे पास है 1/2। यहां से न्यूमरेटर में जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया और ये आ गया आपके पास 2√3, √3 + √3, 2√3। डिनोमिनेटर में जब आप सॉल्व करोगे 2 एलसीएम आ गया, यहाँ 2 + 1 + 1 आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, √2 बचा आपके पास, √3 अपॉन यहाँ आपके पास आ जाएगा 4/2, 2 से कैंसिल हुआ, यू विल बी गेटिंग √3/2। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जहां वैल्यूज हम अपनी टेबल से उठाएंगे उसके बाद आपकी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। वैल्यूज आपने ध्यान से पुट करनी है, रेस्ट क्वेश्चंस में आपको कुछ भी ऐसा खास नहीं मिलेगा। आप देखो इसके बाद कुछ बड़े अच्छे से क्वेश्चंस होते हैं, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में ही क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। Find the value of theta in each case. Find the value of theta
इन ईच केस. क्वेश्चन थर्ड, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट पार्ट इसमें हमारे पास है 2 sin 2 थीटा, इट इज इक्वल्स टू रूट 3. यहां आपको एंगल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू क्या होगी. तो यहां साइन 2 थीटा आपने फाइंड किया, इट इज रूट 3/2. अब मुझे बताएं साइन 2 थीटा यहां हमारे पास है रूट 3/2 साइन 60 डिग्री होता है हमारे पास. साइन 60 डिग्री इज रूट 3/2. तो रूट 3/2 को मैंने साइन 60 डिग्री लिखा. फाइन, अब यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2 थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हुई 60 डिग्री. अगर आपने थीटा फाइंड करना है तो 60 अपॉन 2, इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं. जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, वहां हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते थे. इन द सेम वे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड द एंगल इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें यहां 2 sin 2 थीटा √3 के इक्वल गिवन था. हमने वहां से साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड की, √3/2 मिली हमें. √3/2 हमें मालूम है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. तो √3/2 को हमने साइन 60 डिग्री लिखा. अब देखो ये रिवर्स प्रोसेस चल रहे हैं. अभी तक हम क्या करते थे, मैं साइन 45 डिग्री आपसे पूछूंगा, आप मुझे कहोगे 1/√2. अब अगर कहीं 1/√2 लिखा हुआ है तो उसे हम साइन 45 भी लिख सकते हैं. Then the question as well as on the part. Now see the second part we will see here. 2 cos 3 theta, it is equals to 1. सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन वहीं से कॉन्टिन्यूड है. तो cos 3 थीटा की मैं यहां वैल्यू फाइंड करूंगा. cos 3 थीटा इट इज इक्वल्स टू 1/2. cos की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पर होती है. सो योर cos 3 थीटा इट इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री आपके पास 1/2 होता है. तो इस 1/2 को आपने cos 60 लिखा. cos ही क्यों लिखा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास cos में इक्वेशन. अब मैं कंपेयर करूंगा तो आई गेट 3 थीटा इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. देन थीटा इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 3, दैट इज 20 डिग्री. तो यहां से हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया. थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 डिग्री. Now, I have a question for you people. √3 tan 2 theta minus 3 is equals to 0. This question, √3 tan 2 theta, it is equals to 3. Now, 10 2 theta it is equals to 3 upon √3. अब यहां से एक नई चीज सीखो बेटा, आपको ये मालूम है इस 3 को मैं √3 into √3 लिख सकता हूं. नहीं मालूम तो try to learn this thing. This is a very important thing that we people are going to use in our higher classes also. अगर कहीं a है आपके पास, so this a can be written as √a into √a. जैसे हम a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकते हैं, इन द सेम वे a को हम √a into √a लिख सकते हैं. तो यहाँ 3 आपके पास है, आई कैन राइट इट एज √3 into √3, और नीचे आपके पास √3 था, तो √3 से √3 आपका क्या हो गया, कैंसिल. जब आपने √3 से √3 कैंसिल किया तो आपको पार्ट यहाँ मिलेगा 10 2 थीटा, इट इज इक्वल्स टू √3. अब √3 tan की वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, तो आप लिखोगे 10 2 थीटा इट इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्रीज. आफ्टर दिस
यू कैन राइट 2 थीटा इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. यहां से हमें मिलेगा 2 थीटा इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज एंड फ्रॉम देयर यू कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. सो वी हैव डन द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फॉर द एक्यूट एंगल्स बेसिकली. Try to practice as much as questions you can from this topic.